नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे GUI और CLI में क्या डिफरेंसेस होते हैं और ये हम कहाँ अप्लाई करें। जैसे आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देखे GUI और CLI के बारे में, GUI एक एक्रोनिम है और एब्रिविएशन है, मतलब किसी बड़े शब्दों को अगर आप छोटे फॉर्म में बताते हैं तो उसे एक्रोनिम कहते हैं। तो GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। आप देख सकते हैं दोनों शब्दों में इंटरफेस वर्ड जो है वो कॉमन है। इंटरफेस मतलब माध्यम, मतलब कि अगर किसी चीज़ के माध्यम आप किसी से बात करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं इंटरफेस। ओके, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ग्राफिक्स के ज़रिए। आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, पिक्चर के ज़रिए, मतलब ग्राफिक्स के ज़रिए, तो उसे कहते हैं GUI, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर आप इसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे लिख के, पूरे सेंटेंस में लिख के कंप्यूटर को बताएं कि उसे क्या करना है, तो उसे कहते हैं हम कमांड लाइन इंटरफेस। कंप्यूटर में एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है जहां हम कंप्यूटर को कमांड कर सकते हैं, वो भी लिख लिख कर, माउस क्लिक से नहीं। अभी आप सोच सकते हैं कि माउस क्लिक से ही तो मेरा हो जा रहा था, फिर मुझे CLI का क्या ज़रूरत है। पर फिर भी CLI क्यों सीखना चाहिए, इसका मैं दो रीज़न बताती हूँ आपको। तो पहला रीज़न है, अगर आप क्लाउड टेक्नोलॉजी में अपना कुछ प्रोसेस करवाना चाहते हैं फिर आपको CLI जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्लाउड में क्या होता है, आप किसी दूसरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को आप एक्सेस कर रहे हो, तो फिर वो पूरा कंप्यूटर आपको नहीं देगा, आपको सिर्फ कंप्यूटर का CLI ही मिलेगा जिससे आप कंप्यूटर में अपना प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जब आप कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वहाँ पे आपको बहुत सारे पैकेजेस एंड ऑल इंस्टॉल करना पड़ता है आप जो पर्टिकुलर काम करना चाहते हैं उसके लिए। इस चीज़ के लिए आपको CLI का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर आप मेरी मानिए, अगर आप पेरेंट्स हैं और आपको बस कंप्यूटर का यूसेज सीखना है तो आपके लिए GUI इज़ परफेक्ट। पर अगर आप एक स्टूडेंट है तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप CLI में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि वो बाद में आपको बहुत मदद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।